गाइज आज हम सुपर हीरो गैजेट्स में लगभग सारे एवेंजर्स के रियल लाइफ गैजेट्स को कवर करेंगे एंड इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स भी आएंगे आपसे मिलने और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग स्टफ होने वाला है। सो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना वरना पता नहीं कौन सा ऑसम गैजेट आपसे मिस हो जाए। एंड इन सारे गैजेट्स को अमेज़न से परचेज करने की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। सो दोस्तों लेट अस बिगिन एंड आज शुरुआत होगी आई ऑफ एगामोटो से, जहाँ दूसरे सुपर हीरोज ऊपर से गिर रही बस को पकड़कर उसे बचा लेते हैं, वहीं हमारे डॉक्टर साहब बस को बीच से काटकर उसकी सलाद बना देते हैं। फिर भी वो हमारे फेवरेट सुपर हीरोज में से एक हैं, तो मिली उनकी इस आई ऑफ एगामोटो से। ये वियरेबल होने के साथ साथ अल्ट्रा रियलिस्टिक होती है। ऊपर साइड इसमें लगी बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएंगी एंड आई वाला पार्ट इसका रिवील हो जाएगा ग्रीन लाइटिंग के साथ। फिर वापस से आगे से इसे रोटेट करके आप इसे क्लोज कर सकते हो एंड एक लॉकेट की तरह से इसे पहना भी जा सकता है। तो ये एक ऑसम कलेक्टिबल होने के साथ साथ किसी भी मार्वल फैन के लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगा दोस्तों एंड ये आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगी। वही गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले नंबर पर आपकी पसंद कौन है पूरे मार्वल यूनिवर्स में, तो लगभग सभी का आंसर होगा आयरन मैन। तो अब आप ले सकते हो ये छोटा सा सुपर हाईटेक एंड सुपर कूल आयरन मैन रोबोट। इसे आप अपने डिवाइस से इसके ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। इसके आर्क रिएक्टर से लेकर हाथ में लगे रिपल्सर्स ये सब ऑन हो जाते हैं क्योंकि इनमें LED लाइट्स लगी रहती हैं। ये रोबोट चल भी सकता है एंड अगर आगे रास्ता ना हो तो वहीं रुक भी जाता है। अब यार टोनी का रोबोट है तो ऑब्वियसली अल्ट्रा स्मार्ट तो होगा ही, काफी सारे एक्शंस एंड जेस्चर्स कर सकता है ये और एक्साइटिंग गेम्स भी खेल सकते हो आप इससे। एक ही मूवी में हमने तीन स्पाइडरमैन को तो एक साथ देख लिया नो वे होम में, और अगर मेरी तरह आपका भी सबसे फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडी तो ये गैजेट आपको बहुत 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 ही ज्यादा पसंद आने वाला है। ये है स्पाइडी के वेब शूटर्स। इनसाइड द बॉक्स आपको इसके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। वैसे एक्चुअल में ये वेब नहीं बल्कि एक तरह के थ्रेड को शूट करता है। वेब शूटर को आपको पहन लेना है रिस्ट में एंड फिर इसमें थ्रेड वाले पार्ट को ऐसे लगाकर उन्हें शूट कर सकते हो आप, जिसके लिए इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। काफी अच्छी खासी डिस्टेंस तक ये थ्रेड को शूट कर देता है एंड एक्यूरेसी भी इसकी काफी अच्छी रहती है। सोचो कि बस इस गैजेट में अगर थ्रेड की जगह बहुत मजबूत वेब हो और वो किसी सरफेस पर स्टिक भी हो जाए, ये दो चीजें हो जाए तो फिर एक असली वेब शूटर तैयार हो जाएगा। दोस्तों असली इन्फिनिटी गॉन्टलेट तो एवेंजर्स के पास था नहीं, फिर भी चुटकी बजाने के लिए टोनी ने अपना खुद का एक पावर गॉन्टलेट तैयार कर लिया था और उसी मूवी वाले पावर गॉन्टलेट का रेप्लिका है ये वाला गॉन्टलेट। इसमें भी पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आपको लगे लगाए मिल जाएंगे जिन्हें शायद एवेंजर्स ने इसमें लगाया होगा। और ये पावर गॉन्टलेट सिर्फ रखने के लिए एक शोकेस नहीं है बल्कि इसे आप एक्चुअल में अपने हाथ में पहन भी सकते हो। तो इसमें लाइट्स एंड साउंड इफेक्ट्स भी रहते हैं। देखा जाए गाइस तो ये गॉन्टलेट भी सेम मूवी वाले पावर गॉन्टलेट जैसा ही रियलिस्टिक लगता है देखने में। और ये मिलेगा कहाँ? तो वेल दूसरे गैजेट्स की तरह अमेज़न पर ये आपको सिर्फ 1600 रुपए के अराउंड मिल जाएगा दोस्तों। नर्फ आयरन मैन स्लाइड ब्लास्टर आर्मर। ये रहा टोनी के फैंस के लिए एक और तगड़ा गैजेट, आयरन मैन का स्लाइड ब्लास्टर आर्मर है ये, जिसे की पहनना होता है हाथ में। बहुत ही कूल डिजाइन एंड आयरन मैन आर्मर के एक्चुअल कलर्स इसे और भी ज्यादा रियलिस्टिक लुक दे देते हैं। इसे हाथ में पहनो फिर इसमें लगा हुआ बटन प्रेस करो एंड ये ऐसे स्लाइड करके एक्सपेंड होके पूरे हाथ में फैल जाएगा। फिर ऊपर के दो ब्लास्टर चैम्बर्स में नर्फ डार्ट्स को लगा दो, लीवर को पीछे की तरफ पुल करो एंड डार्ट्स को एक एक करके शूट करो। तो आयरन मैन का ये स्लाइड ब्लास्टर आर्मर बच्चों के लिए काफी अच्छा गिफ्ट हो सकता है एंड ये आता है दो नर्फ डार्ट्स के साथ। ट्रांसफॉर्मर्स पावर चार्ज बम्बलबी। दोस्तों अब ये कूल टॉय है ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स से। ये है पावर चार्ज बम्बलबी, एक ऐसी कार जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है बम्बलबी में एंड वापस से बदल जाती है एक छोटी सी कार में, जिसे हमने बम्बलबी की सोलो मूवी में देखा था। ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसमें बस कुछ एक सिंपल से स्टेप्स करने होंगे आपको एंड साथ ही इसमें होता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला साउंड इफेक्ट भी। इसके फेस पर इसका बैटल वाला मास्क भी लग जाता है एंड हेडलाइट्स एक्चुअल में ऑन हो जाती हैं। ऐसे ही कूल फीचर्स के चलते ये छोटा सा बम्बलबी भी बहुत ऑसम बन जाता है। वहीं दोस्तों बात करें आयरन स्पाइडर इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट की, तो ये उन चीजों में से एक है जिन्हें टोनी ने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के लिए बनाया था, यानी ये आयरन स्पाइडर सूट का एक हिस्सा है एक तरह से। तो इस एक गैजेट में आपको दो सुपर हीरोज का एसेंस मिल जाएगा। ये आयरन मैन इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट भी वियरेबल होता है गाइस एंड इसे पहन तो सकते ही हुआ आप, साथ ही इसकी आईज रेड कलर में ग्लो भी करती है, जैसे कि हमने मूवी में देख रखा था जब पीटर अपना वो खतरनाक वाला मोड एक्टिवेट कर लेता था ना, तो उसके हेलमेट की आईज भी रेड हो जाती थी। सेम इफेक्ट इसमें भी देखने मिल जाता है। सोचो कि आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका खाली टाइम में बैठकर कभी क्या फिजेट स्पिनर यूज किए होंगे, एंड अगर किए भी होंगे तो क्या वो नॉर्मल स्पिनर यूज करते होंगे? नहीं यार,
उनके स्पिनर्स देखने में कुछ ऐसे लगते होंगे। हर एक सुपर हीरो की थीम के हिसाब से अलग अलग स्पिनर्स, लाइक एंड मैन वाले में बीच में एक ट्रायंगुलर हब है जो कि आर्क रिएक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं कैप्टन का स्पिनर तो बिल्कुल एक शील्ड जैसा ही लगता है, बस छोटे स्केल में। एंड स्पाइडी के स्पिनर में वेब फैले हुए हैं। ये तीनों स्पिनर्स बहुत ज्यादा स्मूथली स्पिन करते हैं, जरा भी आवाज नहीं आती इनसे स्पिनिंग के दौरान। एंड इनका स्पिनिंग टाइम भी नॉर्मल स्पिनर्स से थोड़ा ज्यादा रहता है, बहुत नहीं बस थोड़ा सा ज्यादा। और बात करें इनके प्राइस की तो इन्हें आप ले सकते हो अमेज़न से सिर्फ 447 रुपए में। एंटमैन हेलमेट। दोस्तों एंड गेम के बाद एक बार फिर से एंटमैन एंड द वास्प वापस आ रहे हैं अपनी मूवी क्वांटम मेनिया में। एंड ऑफ कोर्स अगला गैजेट भी एंटमैन का ही है। यह एंटमैन का एक हेलमेट जो कि आता है लाइट्स के फीचर के साथ। अभी ये तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये भी वेयरेबल होता है, यानी इसे भी आप एक्चुअल में पहन सकते हो। एंड पहनने के बाद में इसके नीचे की तरफ लगी बटन को प्रेस करते ही इसमें लाइट्स ऑन हो जाएंगी जो कि रेड एंड ब्लू इन दो कलर्स में होती हैं। बाकी साइड वाले एंटीनास, रेड कलर के आईज, ये सारी डिटेल्स तो आपको इस कूल हेलमेट में देखने को मिल ही जाएंगी। ऑटोबॉट स्क्वीक्स। शायद आपको याद ना हो लेकिन ये छोटा सा रोबोट एक्चुअल में एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका नाम है स्क्वीक्स, और ये एक ऑटोबॉट है यानी डिसेप्टिकॉन्स के अगेंस्ट है। ये पूरे घर में चल सकता है, लोगों को देख सकता है, उनसे अपनी ही अजीब सी लैंग्वेज में बात भी कर लेता है, मतलब इंटरैक्टिव होता है ये। इसमें आप इसके वेपन्स वाले अटैचमेंट्स भी लगा सकते हो जिसे लगाते ही इसकी आईज गुस्से से रेड हो जाती है। एंड हाँ, ये खुद नहीं चलेगा, चलाना तो इसे आपको ही पड़ेगा इसके रिमोट से। नर्फ मेगा मैस्टोडॉन ब्लास्टर। वैसे तो ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन बहुत सारे गन टॉयज आते हैं, लेकिन नर्फ ब्लास्टर्स उनसे काफी एडवांस्ड एंड बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। और फिर बात करें नर्फ मेगा मैस्टोडॉन ब्लास्टर की, तो ये नर्फ के सबसे बड़े सबसे मैसिव ब्लास्टर्स में से एक है। इसमें एक दो तीन या चार नहीं बल्कि पूरे 24 डार्ट्स का एक ड्रम लोड होता है। एंड शूट करने पर इन डार्ट से विस्लिंग साउंड भी आता है। ये एक फुली मोटराइज्ड ब्लास्टर है जिसके चलते इसका डार्ट्स वाला ड्रम रोटेट करता रहता है एंड आप उससे बैक टू बैक डार्ट्स को शूट कर सकते हो। एंड ये इतना ह्यूज होता है कि इसे यूज करने के लिए एक शोल्डर स्ट्रैप की भी जरूरत पड़ती है जो इसके साथ ही आता है। अब ये कूल आर्क रिएक्टर आपके रूम में या फिर आपकी गेमिंग डेस्क पर कैसा लगेगा पहले तो आप ये इमेजिन करो। एंड हाँ, अगर अच्छा लगे तो इसे भी आप ले सकते हो अमेज़न से। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसके वायर्स वगैरह को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जहां भी इसे लगाना है वहां लगाकर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कर दो कनेक्ट एंड ये ग्लो करने लगेगा और ठीक टोनी के आयरन मैन 1 वाले क्लासिक आर्क रिएक्टर की तरह लगता है ये। स्टार वॉर्स डार्थ वेडर ब्लैक सीरीज हेलमेट। स्टार वॉर्स मूवीज का जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर था डार्थ वेडर, जिसकी आइकॉनिक वॉइस आज भी आपको याद होगी, उसी डार्थ वेडर का ये हेलमेट भी मुझे ऑनलाइन दिख गया तो मैंने इसे भी आज के गैजेट्स के बीच शामिल कर लिया। हालांकि ये कोई सुपर हीरो तो नहीं है बल्कि एक सुपर विलन है, लेकिन फिर भी ये हेलमेट फुल ब्लैक कलर में आता है एंड इसे आप एक बार में नहीं पहन पाओगे क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स अलग अलग रहते हैं तो एक एक करके उन्हें आपको पहनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसका जो सबसे ऑसम फीचर है वो मुझे लगा इसका डार्थ वेडर वाला ब्रीथिंग इफेक्ट। सुपर हीरो फिजेट स्पिनर्स तो आपने देख लिए, अब मिलिए पोके बॉल फिजेट स्पिनर से। इसका शेप एज वेल एज इसके लुक्स, ये दोनों होते हैं हमारे बचपन के फेवरेट एनिमे वाली पोके बॉल जैसे। एंड इस पोके बॉल को स्पिन करने के लिए इसमें बीच में एक छोटा सा पार्ट रहता है जो कि रोटेट नहीं करता है एंड फिर उसी पार्ट को पकड़कर आप इस बॉल को स्पिन कर सकते हो। इसे आप हाथ में लेकर भी स्पिन कर सकते हो या फिर किसी प्लेन सरफेस पर रख कर भी। सो गाइस, आपको सबसे कूल सुपर हीरो गैजेट कौन सा लगा मुझे अभी बताओ कमेंट करके, साथ ही वीडियो को करके लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा मत, सिर्फ एक सेकंड लगेगा। सो दोस्तों सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।